हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड हम हैं एयरपोर्ट पे एंड वी आर गोइंग टू नीस। सो लेट्स गो। एंड हमारी फ्लाइट है फ्रॉम क्रैको एंड विज एयरलाइन है, राइट? यस, विज एयरलाइन। लेट्स गो एंड हम लोग दिखाते हैं आपको कि विज एयरलाइन कैसी है एंड वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। लेट्स गो। समर्स में ना यूरोप के एयरपोर्ट पर हमेशा भीड़ होती है। हम ये बात भूल गए और सिर्फ एक घंटे पहले पहुंचे, लेकिन लकीली प्रायोरिटी चेक इन की वजह से टाइम पर गेट तक पहुंच गए। इस भागदौड़ी के बीच काजल को याद आया कि उसका ट्रैवल फेस वॉश खत्म हो गया है। लड़कियों को शॉपिंग से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी लेट हो, एयरपोर्ट पर शॉप्स देखने का मन जरूर करता है। सो वी डिड सम क्विक शॉपिंग। इट्स नॉट माय फॉल्ट, दे वर कॉलिंग टू मी, आई स्वेयर। आई हैव नॉट सीन क्रैकोव एयरपोर्ट दिस बिजी। बोर्डिंग काफ़ी स्मूथ थी और सीट्स भी कंफर्टेबल थे। हमें ये फ्लाइट अच्छी डील पर मिल गई थी, सो इट वॉज टोटली वर्थ इट। जैसे ही हम फ्लाइट में बैठे, मुझे याद आया कि मैंने कोई फिल्म या सीरीज डाउनलोड ही नहीं की। पर कोई बात नहीं, अभिजीत ने एक इंटरेस्टिंग शो लगाया हुआ था, तो साथ में वही देख कर 2 घंटे कैसे चले गए पता ही नहीं चला। काजल, हाथ में क्या है? क्या आपने कभी ये नाइस बिस्किट खाया है? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड आयरनी के लिए मैं इसे इस ट्रिप पर ले गई थी। ये फ्रांस का नीस का एयरपोर्ट है, छोटा सा। नहीं मिल रही है टिकट यार, पता नहीं, जो अपना सिंगल ट्रिप का आता है वो मिल नहीं रहा है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, जो कि यहाँ पे आपको अगर ट्रैम लेना है तो आपको एयरपोर्ट रिटर्न टिकट लेना पड़ेगा, विच इज़ कॉस्टिंग 10 यूरोज, तो वो बहुत कॉस्टली है। एंड सेम फॉर द बस। तो अभी हमने फाइनली टैक्सी बुक किया है, जो कि आधे घंटे बाद बुक हुआ है। इट इज़ टेकिंग अराउंड 22 यूरोज, तो हमको वो 2 यूरो के लिए हमको उतना चलना पड़ता है, इसके लिए हमने कैब ही कर लिया। एंड ऑल्सो टाइम भी सेव हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा, हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे बाई कैब। एंड अभी भूख भी बहुत लगी है, क्योंकि हम सुबह से मतलब लंच नहीं किए हैं, तो हम बस अभी जल्दी जाते हैं, कुछ खाते वाते हैं, फिर घूमने निकलेंगे। नीस पहुंच गए हैं फाइनली। यस, एंड अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सॉर्टेड नहीं हुआ है, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ पे जो काम करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक कार्ड लेना पड़ेगा, जो कि सिटी सेंटर पे मिलता है, एंड जो टॉप अप करना पड़ता है, विच इज आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसका लॉजिक क्या है, बट फिगर आउट करते हैं देन आपको भी बताते हैं। यस, क्योंकि अगर हम नॉर्मल टिकट लोगे ना तो वो 1.7 यूरोज का आता है पर ट्रिप, बट यहाँ पे आपको फोर्सफुली 10 यूरोज का ही लेना पड़ेगा, तो दैट इज समथिंग वियर्ड, तो हमने सोचा आपको भी बता दें। अभी कैब को तब से 10 मिनट हो गए हैं, अभी 3 मिनट ही दिखा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जस्ट वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। अभी जस्ट ड्राइवर से बात हुई है एंड वो फ्यूल भरवा रहा है, एंड वो फ्यूल भरवा के आएगा, बट लकी मैं भी थोड़ा सा अपना फ्रेंच प्रैक्टिस कर ले रही हूँ, जितना जो सीखा है थोड़ा बहुत। तो अपेरेंटली अभी हम लोग आज लॉट्स ऑफ आ गया। We just reached our hotel. Come, let me show you our room. ये छोटा सा French kind of जो घर है, बहुत ही ज्यादा cute है, because light और कितना amazingly आ रहा है यहाँ पे। And छोटू सा kitchen है, that's our kitchen. And wardrobe है, bed है, there's a desk to work. And काफी sufficient है, मतलब काफी ज्यादा स्पेस है ना। एंड वी ऑल्सो हैव अ बालकनी। वैसे बालकनी तो काफी अच्छी है, बट व्यू के नाम पे सिर्फ ये है। टिपिकल फ्रेंच काइंड ऑफ घर है, जिसमें एकदम छोटू सा बाथरूम है, एंड बाथरूम में टॉयलेट की यहाँ पे जाके नाना है, विच इज थोड़ा सा क्लब्जी, बट ऐसे ही होता है फ्रांस में, एंड फ्रांस के हिसाब से बहुत बड़ा रूम है।
यस यस, अगर आप फ्रांस में आए हो पहले तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा रूम है फ्रांस के हिसाब से, बट यस उतना ही ज्यादा ऐसे कंजेस्टेड है कि पहले ये खुलेगा, हम बाहर आएंगे फिर हम यहाँ आ सकते हैं। बट द गुड थिंग इज कि ये काफी ज्यादा स्पेशियस है जो कि हमें चाहिए था, एंड छोटू सा किचन है इतना प्यारा सा जिसमें हर चीज दी हुई है उन्होंने। एक डिश वॉशर नहीं है तो धोना पड़ेगा, बट आई थिंक इट शुड बी गुड। एंड यस सो अभी जल्दी से तैयार होते हैं एंड जाते हैं प्रोमेनाड में। अभी हम लोग घर से लेके आए थे सैंडविच, तो अभी जस्ट उसको बनाया है एंड वी आर हैविंग इट अपने छोटे से किचन में जो आप यहाँ देख सकते हो। एंड देन अभी हम लोग खा के थोड़ा फिर निकलते हैं एंड डिनर प्रॉब्ली बाहर करेंगे हम। yes. अभी ऑल सेट, अभी हम लोग खाना वाना खा लिए हैं। तो खाना क्या मतलब थोड़ा सा स्नैक्स टाइप्स, इवनिंग स्नैक्स टाइप्स हो गया है अभी हमारा एंड वी आर ऑल सेट टू लीव नाउ। अभी हम लोग जाते हैं प्रोमेनाड नीस। अभी हम लोग को थोड़ा शॉपिंग वगैरह करना है लोकल ग्रोसरी स्टोर से एंड देन विल हैव सम डिनर एंड सनसेट एंजॉय करके प्रोमेनाड में देन विल कम बैक। सो स्टे ट्यून। काजल आप किधर हो? ऑल सेट चलें? यस ऑल सेट, चलो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर नीस। ये हमारा आउटफिट है आज का एंड आई एम वेयरिंग द सेम वन जो मैं पहन के आया था एंड काजल ने अपना आउटफिट चेंज किया है फॉर डे वन। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। फ्रेंच होटल में एक बहुत यूनिक चीज़ होती है कि यहाँ डोर हैंडल्स यहाँ के बजाय यहाँ पे होते हैं सेंटर में। जब हम पेरिस आए थे तब भी हमने ऑब्जर्व किया था एंड अभी भी सारे रूम्स में वैसा ही है। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं एंड हम लोग अभी जा रहे हैं प्रोमेनाड के साइड एंड हमें रास्ते में ऐसा ये विंडोज़ देखे जो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो फ्रांस में स्पेशली यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे थोड़े विंडोज़ बड़े बड़े होते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ के विंडोज़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो आप जस्ट नोटिस करो हर घर के विंडोज़ एकदम बड़े वाले साइज़ में है एंड इतने कलरफुल एंड इतने ब्यूटीफुल है। तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन तो काफ़ी अमेजिंग है। हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे भी एक छोटी सी गाड़ी चल रही है जो आपको राइड देती है पूरे सिटी का। एंड वॉक करते करते हम पहुँच गए हैं नीस के सेंटर पे जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है एंड काफ़ी बड़ा भी है एक्चुअली। तो हम लोग आ गए हैं सिटी सेंटर में एंड सिटी सेंटर में आपको बहुत ही स्पेशल स्टैचू दिखेगा जो कि है ग्रीक गॉड अपोलो का। एंड यस यू कैन सी कि ये पूरा माहौल बनाता है नीस में एंड बोलते हैं कि जो वाइब है वो एग्जैक्टली कैप्चर करता है। फाउंटेन के जस्ट ऑपोजिट में आपको इतना पिक्चरिस्टिक बिल्डिंग दिखेगा एंड हर कोई यहाँ पे फोटोज निकाल रहा है। एंड जस्ट उसके बाजू में अगर आप गली से देखोगे तो कितना ब्यूटीफुल नीस के हाउसेस लग रहे हैं एंड लुक सो ब्यूटीफुल। काजल चले प्रोमेनाड पे। अभी हम लोग ने लिया है स्लश क्योंकि गर्मी बहुत है एंड यहाँ पे आइसक्रीम के ऑप्शंस भी हैं, बट एज यू नो सावन चालू है तो हम अभी आइसक्रीम खा नहीं सकते हैं। थैंक यू। नाउ लेट मी ट्राई दिस। इतनी गर्मी में ये बोलते ना सुकून वाला आइसक्रीम है एंड इट्स ग्रीन एप्पल स्लश जो मैंने लिया है। सो मैंने मिक्स लिया है बेसिकली। सो दिस इज ग्रीन एप्पल ऑरेंज एंड आई डोंट नो दिस व्हाट इज दिस फ्लेवर बट इट्स वेरी गुड। चीयर्स। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं प्रोमेनाड पे एंड विल गो डाउनस्टेयर्स नाउ एंड सी। एंड आप देख सकते हो लोग कैसे सनबात कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ वेरी कॉमन हेयर। एंड हम लोग जब गोवा भी जाते हैं तो देखते हैं फॉरनर्स आके सनबात करते हैं, सो दिस इज़ क्वाइट कॉमन। नीस के ना पेबल्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज वो इतने ज़्यादा राउंड होते हैं एंड इतने ज़्यादा स्मूथ होते हैं। सी दिस वन जस्ट लाइक अ पोटैटो। सो नीस बिस्किट इन नीस। फाइनली हम लोग नीस पहुंच गए हैं एंड
अभी हम लोग प्रोमेनाड में बैठे हुए हैं एंड दिस इज द व्यू। आज थोड़ा लाइट ही रखा है हमने सोचा कि इतना ज्यादा एक्टिविटी आज नहीं करते बिकॉज बैक टू बैक कल परसों हम लोग ने बहुत चीजें प्लान करके रखी हुई है। करेक्ट। तो हम लोग जस्ट घर पे खाना वाना खा के एंड प्रोमेनाड पे आ गए हैं एंड क्या व्यू है, मतलब इट्स ब्रेड टेकिंग व्यू एंड इतना सुंदर है ना, सनसेट हो रहा है, पूरा प्रोमेनाड जो है ना पूरा भरा हुआ है लोगों से एंड पूरा लोग मजे कर रहे हैं बिकॉज जुलाई एंड का महीना है तो ऑलमोस्ट इतना टूरिस्ट लोग है बट मजा आ रहा है। एंड दिस इज द व्यू, हम लोग भी यहाँ पे बिछा के बैठे हुए हैं एंड द स्पेशल थिंग अबाउट नीस के बीच का इज दिस पेबल बीच एंड एज यू कैन सी वो पोस्ट कार्ड पिक्चर जो हम हमेशा देखते हैं। अभी हम काफी दूर है उससे बट हम आपको कल अच्छे से दिखाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ कि डू यू वॉन्ट टू सी नीस, डू यू अभिजीत? यस। So, ये हम हमारे साथ लेकर आए थे। So, अगर आपने हमारा रील नहीं देखा है तो रील आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। तो यू वांट टू सी नीस, दिस इज नीस एंड सी एंड हम लोग भी पानी में जाएंगे बट मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि हम लोग ने जो ओके टू गिव यू एन बैकग्राउंड, हम 5 दिन यहाँ हैं एंड हम पांचों के पांचों दिन नीस में ही स्टे कर रहे हैं एंड बाकी सब जगह पे हम नीस से ही ट्रैवल करेंगे। तो मोस्टली हम लोग डे ट्रिप्स कर रहे हैं हर जगह पे। तो हम लोग पूरा फ्रेंच रिवियरा कवर करने वाले हैं, हम लोग सारे लोकेशंस पे जाने वाले हैं, बीट कांस ईज एंड हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री भी जाने वाले हैं विच इज़ मोनाको मोंटे कार्लो। सो अभी आपके पास बहुत सारा कंटेंट आने वाला है विद प्रॉपर गाइड एंड डिटेल्स। सो आप स्टे ट्यून्ड रहना हमारे इस सीरीज के लिए विच इज फ्रॉम साउथ ऑफ फ्रांस। एंड आप देख ही रहे हो कि कितना प्रॉब्लम होता है आते ही जब टिकट्स का एंड कैसे बस का टिकट का इश्यू हुआ है। सो डोंट वरी, हम लोग इसका पूरा डिटेल गाइड भी बनाएंगे जिससे आप अपना साउथ ऑफ फ्रांस का ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान कर सको विद कॉस्ट। तो हम लोग वो सब इंक्लूड करेंगे एंड इसीलिए हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं ताकि आपको सारा नॉलेज शेयर कर पाए। तो अभी हम लोग थोड़ा आज लाइट रखेंगे एंड आज यहाँ से निकल के हम लोग थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे एंड ग्रॉसरी शॉपिंग करके कुछ खा के एंड देन वी विल कॉल द डे आउट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यस। सो अभी हम आपको वो जरूर दिखाएंगे कि ग्रॉसरी कहाँ से ले रहे हैं एंड हम डिनर में आज मोस्टली क्या करने वाले हैं एंड कहाँ पे करेंगे, तो उसका भी एक रिव्यू रहेगा आपके पास कि कैसा है। एंड कॉमेंट डाउन अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है एंड आपको नीस पसंद आया तो हमें बहुत पसंद आ रहा है। And if you want us to cover something else or some other place, do comment and we will make sure कि हम वहाँ पे travel करके वहाँ की itinerary बनाएं। हम लोग अभी प्रोमेनाड से निकल गए हैं एंड हम लोग अभी जा रहे हैं केयरफॉर फॉर आवर ग्रोसरीज। तो अभी आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे कुछ स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, अगर आप देखना चाहो तो रुक के देख सकते हो। यहाँ पे नीस में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस होते हैं एंड यहाँ का जो नाइट लाइफ है वो भी काफ़ी हैपनिंग है। मतलब हमने बहुत सुना था कि आप कहीं पे भी रहो लेकिन आप अपना डे एंड नीस में करो क्योंकि शाम में हमेशा नीस बहुत लाइवली हो जाता है एंड बहुत कुछ होता है यहाँ पे स्ट्रीट्स पे। तो आप डेफिनेटली नीस को अपना होम ग्राउंड बना सकते हो जब आप आजू बाजू के एरिया सारा कवर कर रहे हो। एंड एनीवेज हम डिटेल्ड आइटनरी आपके लिए लाएंगे ही विथ कॉस्ट एंड बजट, तो आपको भी हेल्प होगा। एक चीज है, यहाँ पे इतने क्यूट डॉग्स है ना, सी देम। के अपार्टमेंट्स क्या सुंदर है एंड आई थिंक हम लोग वॉक करते करते एकदम रेसिडेंशियल इलाके में आ गए हैं नीस के एंड इतना कलरफुल हाउस मैंने अभी तक नहीं देखा है। आई प्रोबेबली थिंक इट इज़ अ होटल बट नॉट श्योर। फाइनली पहुंच गए हैं केयरफॉर एंड लेट्स डू सम ग्रोसरी शॉपिंग फॉर आवर स्टे। अभी हमने ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली है एंड हम लोग ने लिया कुछ ऑनियंस, कुछ चिप्स के पैकेट, केचप एंड मिल्क एंड
एंड अराउंड कितना यूरो हुआ है? 8.5 यूरोस। यस, तो 8.5 यूरोस का हमने यहाँ पे केयरफॉर में खरीदा। एंड यस, इट वाज गुड, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं था। एंड हम लोग ने, बट इफ़ यू आर कमिंग तो जस्ट बता दो कि मिल्क को ये लोग लाइट बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, यस यस, LAIT। सो आप कंफ्यूज मत होना। एंड मैंने हमेशा देखा है ना कि पोलैंड में जो मिल्क होता है वो रेफ्रिजरेटर सेक्शन में होता है, एंड इनफैक्ट हर कंट्री में, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में हमेशा आपको मिल्क जो है वो नॉर्मल सेक्शन में मिलेगा और कभी रेफ्रिजरेटर सेक्शन में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो आप ध्यान में रखना कि अगर आप मिल्क ढूंढ रहे हो तो आप नॉर्मल सेक्शन में ढूंढ रहे हो। अभी हम लोग शॉपिंग करके आ रहे हैं एंड हमें रास्ते में एक बंदा मिला एंड ही वॉज लाइक नीस फ्रांस सेफ जगह नहीं है एंड ही स्टॉप्ड। तो हमारे हाथ में कैमरा देख के था, तो हम लोग जल्दी जल्दी वॉक करके हम लोग मेन स्ट्रीट पे आ गए। अभी वी डोंट नो ना कि कैसा है, तो यू हैव टू ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स रहते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी एडवाइस कि हम ज़्यादा अंदर के रास्ते में घूमें। बेटर टू बी इन मोर टूरिस्टिक प्लेसेस। ऑन यहाँ के नाइट वाइब एकदम अलग है। एंड अभी हम जिस स्ट्रीट से जा रहे हैं वो काफ़ी लाइवली है। वी एडवाइस कि आप ज़्यादा अंदर के रास्ते में ना चलें। सो दिस वॉज द रेस्टोरेंट डेली बेली जहाँ पे हम डिनर किए हैं। यहाँ पे पूरे स्ट्रीट का वाइब भी एकदम मस्त है एंड ऐसा है कुछ रात का वाइब नीस का। अभी हम लोग डिनर करके घर जा रहे हैं एंड जहाँ हम लोग रह रहे हैं ये उससे बस पास में ही है, तो हम लोग सोचे वॉक करके जाएं। एंड ये रात के 10:30 बज रहे हैं। दिस इज़ द वाइब, लाइक एकदम हैपनिंग हो रखा है अभी। एंड दिस इज़ नॉट वीकेंड ऑल्सो, दिस इज़ थर्सडे, तो आई प्रिज्यूम कि वीकेंड पे तो अलग ही वाइब होगा। आई थिंक वो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, राइट? हम लोग उसके बारे में पता करते हैं। फेनोशियो मेत्र ग्लेशियर, इट्स एन आइसक्रीम शॉप, है। सो द नेम इज फेनोशियो मेत्र ग्लेशियर, जस्ट सी द लाइन। आई एम प्रीटी श्योर कि उनके पास ना वीगन ऑप्शंस होंगे। यस, सो हम लोग ट्राई करेंगे, अगर वीगन ऑप्शंस हुए तो वी विल डेफिनेटली ट्राई इन द नेक्स्ट व्लॉग फॉर श्योर। यस, अभी बहुत कुछ आने वाला है, दिस इज जस्ट द स्टार्ट, वी हैव रीच्ड एंड हम लोग यहां पे ये कर रहे हैं। बहुत बहुत कुछ चीजें आने वाली है। सीरियसली दिस इज अमेजिंग प्लेस एंड एवरीवन शुड कम एंड जस्ट सी दिस नैरो स्ट्रीट। माय गॉड, दिस इज गुड। वैसे रात के 10:30 बज रहे हैं एंड वाइब वगैरह तो आपको दिखाया ही हमने कितने अच्छा है, लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है एंड लिटरली मुझे पसीना आ रहा है। अगर आपको ये गर्मी लग रही है तो अभी दिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, आई जस्ट गॉट अ नोटिफिकेशन सेइंग कि कल 4 degrees और वार्मर है। ओह माय गॉड, तो मतलब कल तो और लगने वाली है अपने। एंड कल स्लश एंड आइसक्रीम्स टू द रेस्क्यू। एंड कल तो हमारा और भी हेक्टिक डे है ना। हाँ, मतलब हम काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं, बट वो मत बताओ। यस, इसके लिए नेक्स्ट व्लॉग आपको देखना नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि ये वाले सीरीज में हम जल्दी जल्दी व्लॉग्स ला पाए आपके लिए व्हाइल वी आर हियर, राइट? यस, ताकि इंटरेस्टिंग हो। अब जाके हम लोग एडिटिंग पर बैठने वाले हैं, तो आप सोचो हम लोग कितना मेहनत करें, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो यार, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा। अभी हम लोग रूम में आ गए हैं एंड फ्रेशन अप हो गए हैं एंड अच्छे से खाना वाना सब तो खा ही लिया था। सो अब जाते हैं एंड कल की तैयारी करते हैं, बिकॉज वी हैव टू डिसाइड कि कैसे बात करेंगे एंड फिगर आउट द ट्रांसपोर्ट, जो कि अभी फ़िलहाल हमको लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो उसको फिगर आउट करते हैं एंड वी विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। And until next time, thank you for watching. Do hit the like button and make sure to subscribe to our channel. And see you in the next vlog. And hope ki aapko ye series achhi lag rahi ho. See you in the next one. Bye.